स्टूडेंट्स, इस वीडियो में पढ़ेंगे हम मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन को समझने के लिए स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी हमें समझनी होगी। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी से ही इसको एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे मसल फाइबर्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और इस कॉन्ट्रैक्शन के पीछे रोल होता है स्लाइडिंग का। कौन स्लाइड करता है? थिन फिलामेंट्स किसके ऊपर स्लाइड करते हैं? थिक फिलामेंट्स के ऊपर। सो थिन फिलामेंट्स स्लाइड ओवर द थिक फिलामेंट्स एंड वी सी दैट द मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, वी सी दैट द मसल्स स्टार्ट टू कॉन्ट्रैक्ट। तो अब मसल कॉन्ट्रैक्शन कब शुरू होता है? इट इज़ इनिशिएटेड बाय अ सिग्नल सेंट बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाया ए मोटर न्यूरॉन। तो हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो सिग्नल भेजता है मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, और फिर उसके बाद अब कैसे भेजेगा? तो CNS से वो सिग्नल है वो जाएगा मोटर न्यूरॉन को, मोटर न्यूरॉन, और मोटर न्यूरॉन से वो मैसेज जाएगा हमारे मसल को, मसल फाइबर को, ठीक है ना। तो जहाँ पर ये मसल फाइबर और मोटर न्यूरॉन कनेक्ट होंगे तो इसको बोलेंगे आप न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ओके, तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का एक और नाम है, उसको बोलते हैं मोटर एंड प्लेट। तो दोनों चीज़ें हैं, आप या तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कह दें या मोटर एंड प्लेट कह दें। सो एक न्यूरल सिग्नल आया होगा कहाँ पर? न्यूरोट्रांसमीटर के हेल्प से आया होगा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर, और न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा है? एसिटाइल कोलाइन। अब ये बिल्कुल वही एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर देगा सार्कोलेमा में। अब हमें पता है सार्कोलेमा क्या है। सार्कोलेमा इज़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द मसल फाइबर। तो मसल फाइबर की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको सार्कोलेमा कहते हैं। सार्कोलेमा में भी क्या जनरेट होगा? एक्शन पोटेंशियल। किसके हेल्प से? एक न्यूरोट्रांसमीटर के हेल्प से, ठीक है ना। न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ से आया? न्यूरॉन से आया। ओके, अब क्या होगा, ये एक्शन पोटेंशियल जो है ये स्प्रेड करेगा पूरे के पूरे मसल फाइबर में, और जैसे ही ये वहाँ मसल फाइबर में पहुँचेगा और स्प्रेड करेगा, हमें दिखाई देंगे कैल्शियम आयंस बाहर आते हुए। कहाँ से आएंगे कैल्शियम आयंस बाहर? ये कैल्शियम आयंस जो है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर निकलेंगे। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज प्रेजेंट इनसाइड द मसल फाइबर। सो वहाँ से ये कैल्शियम आयंस निकल के किधर आ जाएंगे? सार्कोप्लाज्म में। अब कैल्शियम आयंस का लेवल जब बढ़ने लगेगा तो क्या होगा? कैल्शियम जो है वो बाइंड करना स्टार्ट कर देगा ट्रोपोनिन के साथ। अब हमको पता है ट्रोपोनिन कहाँ पर था। ट्रोपोनिन था जो हमारा एक्टिन था, एक्टिन में ट्रोपोनिन प्रेजेंट था। ओके, और ट्रोपोनिन ने जो बाइंडिंग साइट्स थी मीरोमायोसिन के हेड की, मीरोमायोसिन का जो हेड होता है उस पे जो बाइंडिंग साइट्स हैं जिससे कि वो एक्टिन के साथ बाइंड करता है, उसको इसने मास्क करके रखा हुआ था। तो जैसे ही कैल्शियम आयंस आएंगे ये ट्रोपोनिन के साथ बाइंड हो जाएंगे, और ट्रोपोनिन कहाँ प्रेजेंट था? एक्टिन फिलामेंट्स पर प्रेजेंट था। तो जिसके कारण क्या होगा, ट्रोपोनिन जो है वहाँ से हट जाएगा और इसकी वजह से ये मास्किंग ख़त्म हो जाएगी, और जैसे ही मास्किंग ख़त्म होगी हमारा जो मायोसिन है वो एक्टिन के साथ बाइंड हो सकता है। अब इस बाइंडिंग के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से आएगी? ATP हाइड्रोलिसिस से। तो ATP बाइंड होने की जगह है क्या? बिल्कुल है। जो ग्लोबुलर हेड होता है उसके पास ATP बाइंडिंग साइट होती है, तो जिसके हेल्प से ATP बाइंडिंग साइट के हेल्प से वो ATP को अपने से जोड़ सकता है। तो एक बार ATP वहाँ बाइंड हो जाएगा और उसके बाद जब वो एनर्जी प्रोवाइड करेगा तो हम देखेंगे मसल कॉन्ट्रैक्शन होते हुए। तो जो मायोसिन है उसका हेड बाइंड हो गया है एक्टिव साइट्स के साथ, एक्टिन पर जो प्रेजेंट है, और क्या बन जाएगा? क्रॉस ब्रिज। क्रॉस ब्रिज का मतलब है कि अगर ये हमारा मायोसिन है और ये एक्टिन है, तो मायोसिन का जो हेड है वो अब क्रॉस ब्रिज बना चुका है। यहाँ पर देख रहे हैं ये हियर बन गया है। तो मायोसिन हेड हैज़ मेड कॉन्टैक्ट विद द एक्टिन, और ये क्यों हो पाया? बिकॉज जो हमारा ATP था वो बाइंड हो गया था, तो ATP की बाइंडिंग से ऐसा हो पाया। ATP क्यों बाइंड हुआ? बिकॉज कैल्शियम ने ट्रोपोनिन को
के साथ बाइंडिंग करके ट्रोपोनिन को फ्री कर दिया, तो अब उस वजह से एक्टिन के ऊपर जो साइट्स थी बाइंडिंग के लिए वो फ्री हो गई। तो आप देख रहे हो यहाँ पर आप देख रहे हो कि क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद क्रॉस ब्रिज के फॉर्मेशन के बाद क्या होता है, जो एडीपी और फॉस्फेट्स रिलीज हो रहे हैं, इसका मतलब एनर्जी यूटिलाइज हो रही है। एनर्जी यूटिलाइज होने के कारण क्या हो रहा है, आप देख रहे हो ये मूव कर रहा है। एक्टिन किसके ऊपर मूव कर रहा है, किसके ऊपर स्लाइड कर रहा है, मायोसिन के ऊपर। सो एक्टिन इज स्लाइडिंग एंड इट इज़ रोट मूविंग इन दैट डायरेक्शन, ओके। और उसके बाद फिर क्या होगा, ये उसके बाद जो है बॉन्ड है हट जाएगा, ठीक है ना। जब बॉन्ड हट जाएगा तो एक्टिन दोबारा अपनी ओरिजिनल लोकेशन पे आ जाएगा और फिर हम देखेंगे दोबारा से एटीपी को आते हुए और फिर दोबारा एनर्जी प्रोवाइड करते हुए और दोबारा से क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हम होते हुए इसमें दोबारा से देखेंगे। तो ये साइकिल चलता रहता है, एटीपी कम्स, एटीपी प्रोवाइड्स एनर्जी, देन द स्लाइडिंग टेक्स प्लेस, देन द एटीपी इज रिमूव्ड। व्हाट इज रिमूव्ड एक्चुअली, एडीपी एंड पी आर रिमूव्ड, देन वी सी अगेन एक्टिन गोज टू द ओरिजिनल लोकेशन, दिस इज द ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज, एंड देन अगेन एटीपी बाइंड्स, एंड देन अगेन द स्लाइडिंग टेक्स प्लेस। सो दिस प्रोसेस गोज ऑन अगेन एंड अगेन एज पर आवर नीड। तो ये चलता रहता है हमारी नीड के अकॉर्डिंग। तो जब कभी भी स्लाइडिंग होती है तो क्या होता है, जब कभी भी स्लाइडिंग होती है तो एक्टिन फिलामेंट्स ए बैंड के सेंटर की तरफ जाते हैं और जिसके कारण क्या होता है, जेड लाइन जो होती है, जेड लाइन इज ऑल्सो पुल्ड इनवर्ड्स। तो इसके कारण क्या होगा, सार्कोमियर का छोटा हो जाना आप देखेंगे, सार्कोमियर छोटा हो जाता है। तो आप यहाँ देखिए इसको, इस वाले डायग्राम में आपके समझ में आएगा। तो चेक हियर, देखिए जब यहाँ क्रॉस ब्रिज बन जाएगा और यहाँ क्रॉस ब्रिज बन जाएगा तब क्या होगा, मूवमेंट स्टार्ट होगा, रोटेशन स्टार्ट होगा और बिकॉज ऑफ द रोटेशन आप देखेंगे कि जो सार्कोमियर है वो छोटा होगा। देखिए अभी सार्कोमियर की लेंथ क्या है, सार्कोमियर की लेंथ इतनी है, अब सार्कोमियर की लेंथ कम हो गई और सार्कोमियर की लेंथ और कम हो गई आगे। तो ऐसा क्यों हो रहा है, सार्कोमियर की लेंथ कम कैसे हो रही है, बिकॉज जो हमारे फिलामेंट्स हैं दे आर, लुक अगेन, जो हमारे एक्टिन फिलामेंट्स हैं दे आर स्लाइडिंग ओवर द मायोसिन एंड सो दे जस्ट दे आर शॉर्टनिंग द सार्कोमियर। आप देखो सार्कोमियर की लेंथ लगातार कम होती जा रही है, पहले इतनी लेंथ थी फिर इतनी बची और अब इतनी बची। सार्कोमियर कहाँ से कहाँ के बीच में होता है, दो जेड लाइंस के बीच का जो स्पेस होता है दैट इज द सार्कोमियर। तो ये छोटा कैसे हो सकता है, ये छोटा हो सकता है अगर ये एक्टिन फिलामेंट्स मायोसिन फिलामेंट्स के ऊपर स्लाइड करेंगे। तो स्लाइड करने के लिए एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा, एटीपी, ओके। तो एटीपी इज हाइड्रोलाइज्ड बाय द मायोसिन हेड एंड द साइकिल ऑफ क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन एंड ब्रेकेज इज रिपीटेड कॉजिंग फर्दर स्लाइडिंग। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज, अब ये प्रोसेस चलता रहेगा टिल द कैल्शियम आयन्स आर पम्प्ड बैक टू द सार्कोप्लाज्मिक सिस्टर्ने रिजल्टिंग इन द मास्किंग ऑफ एक्टिन फिलामेंट्स। तो जब तक कैल्शियम वहाँ प्रेजेंट रहेगा सार्कोप्लाज्म में तब तक तो ये चलता रहेगा, लेकिन अगर कैल्शियम को दोबारा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर भेज दिया, तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर अगर हमारा कैल्शियम चला गया तो फिर दोबारा से ट्रोपोनिन जो है एक्टिन के ऊपर आ जाएगा और मास्क कर देगा एक्टिन की साइट्स को और उसकी वजह से आप देखेंगे कि जो जेड लाइन है वो ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएंगी और हम इसे क्या बोलेंगे, रिलैक्सेशन, ठीक है ना। तो उसके कारण जो जेड लाइंस हैं दोबारा से ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाती हैं, इसको रिलैक्सेशन कहते हैं। एंड द रिएक्शन टाइम ऑफ द फाइबर्स कैन वेरी इन डिफरेंट मसल्स, रिपीटेड एक्टिवेशन ऑफ मसल्स कैन लीड टू द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड ड्यू टू एनएरोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन। तो क्या होता है कि बार बार मसल्स जब एक्टिवेट होती रहती हैं तो लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन होने लगता है बिकॉज हमारे मसल्स में ग्लाइकोजन का एनएरोबिक ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाता है और जिससे फिर क्या होता है, फटीग होने लगता है, थकान होने लगती है हमको।
मसल्स के अंदर रेड कलर्ड ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट भी होता है जिसको हम मायोग्लोबिन कहते हैं। मायोग्लोबिन हाई होगा कुछ मसल्स में और कुछ में नहीं होगा। तो जिन मसल्स में मायोग्लोबिन हाई होता है वो रेड दिखाई देती हैं, उनको हम रेड फाइबर कहते हैं। और ऐसी मसल्स में माइटोकॉन्ड्रिया भी बहुत सारे होते हैं और ये ज़्यादा ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन करते हुए अच्छा सा काम करती हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होने के कारण इनके पास एटीपी प्रोडक्शन करने की एबिलिटी भी ज़्यादा होती है, ठीक है ना। तो इसलिए इनको एरोबिक मसल्स भी बोलते हैं, बिकॉज जो माइटोकॉन्ड्रिया है इट इज़ रिलेटेड टू द एरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, ऑन द अदर हैंड सम ऑफ द मसल्स पजेस वेरी लेस क्वांटिटी ऑफ मायोग्लोबिन एंड सो दे आर पेल एंड वाइटिश, इनको हम वाइट फाइबर बोलते हैं। तो इनमें माइटोकॉन्ड्रिया भी कम होते हैं पर उनके अंदर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो हाई होता है। तो ये कैसे प्रोसेस पे डिपेंड करेंगे? एनएरोबिक प्रोसेस पे डिपेंड करेंगे। तो हमें क्लियर समझ में आया कि जो रेड मसल फाइबर हैं दे आर बेसिकली एरोबिक, ओके, एंड जो वाइट मसल फाइबर्स हैं दे आर बेसिकली एन एरोबिक, एंड इट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, बहुत कम होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, इस वजह से ऑक्सीजन का ज़्यादा यूटिलाइजेशन नहीं कर सकती हैं वो मसल्स। तो दिस इज़ द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी फॉर यू और आई होप कि आप इसको अच्छे से समझेंगे। एट द डायग्राम हियर अगेन, रिलैक्स स्टेट, कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेज एंड द मैक्सिमली कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट। तो देखिए कितना छोटा हो चुका है सार्कोमियर, तो ये हो रहा है बिकॉज ऑफ द स्लाइडिंग ऑफ द एक्टिन ओवर द मायोसिन। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।